लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ अस्फा हलाल की लिपस्टिक्स, जो कि अवेलेबल हैं purple.com पर। होली आने वाली है, बहुत बढ़िया सेल भी लगने वाली है, सो डोंट फॉरगेट, फिल योर कार्ट एंड आप सेल के टाइम पर शॉपिंग कर सकते हो। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये लिपस्टिक्स कैसी हैं, वर्थ बाइंग है या नहीं, और कुछ स्वॉचेस भी देखना चाहते हो आप, तो चलो फिर शुरू करते हैं। बाय द वे, इफ यू लाइकिंग माय मेकअप लुक, तो ये मैंने होली के लिए क्रिएट करी है एंड इसका शॉर्ट वीडियो आ चुका होगा मेरे चैनल पर, सो डोंट मिस इट, गो एंड चेक इट आउट गर्ल्स। ओके, सो आई हैव अस्फा हलाल लिपस्टिक्स इन माय हैंड्स। ये रही, इतना खूबसूरत सा कलर है इनकी पैकेजिंग का, सियान सी ग्रीन एंड लाइट ब्लू काइंड ऑफ मिक्स कलर। तो मैंने अस्फा हलाल की इंडिविजुअल एक एक लिपस्टिक का भी शॉर्ट में रिव्यू किया हुआ है, बट दिस इज गोना बी अ डिटेल्ड रिव्यू। वैसे इट विल साउंड लिटिल ऑकवर्ड, क्योंकि जो लिपस्टिक अभी मैं वेयर करके बैठी हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, वो अस्फा हलाल की नहीं है, पर्पल की अपनी लिपस्टिक है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस लिपस्टिक, डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द रिव्यू ऑफ दिस लिपस्टिक इज ऑल्सो ऑन माई चैनल, गो वॉच। चलो शुरू करते हैं, पैकेजिंग आपको दिखा दी मैंने, ये इनकी बुलेट लिपस्टिक्स हैं। मेरे पास तीन लिपस्टिक्स हैं, मैं आपको तीनों शेड्स दिखाऊंगी, इनके स्वॉचेस दिखाऊंगी। पहले हम चेक करते हैं अंदर से लिपस्टिक को, एंड दिस इज अ नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक, ट्विस्ट एंड ओपन, and the gorgeous lady comes out like this. Talking about the packaging, very cute, very luxurious and very sturdy. Color combination is good, silver and cyan color. You get the logo on top of the cap, close ho jata hai. So it's not flimsy, aise nahi aise aise karoge to open ho jayega, so packaging is bang on. Now let's talk about the product. Here. Single stroke application, yes. एक बार में अप्लाई हो जाएगी, बहुत ही स्मूथ ग्लाइड करता है, वेरी स्मूथ एप्लीकेशन। जो कलर आपको बुलेट में नजर आ रहा है उसकी पिगमेंटेशन आप यहाँ देख सकते हो, रिंग लाइट है, मैं आपको नेचुरल लाइट में भी इसका कलर और पिगमेंटेशन दिखाऊंगी। हाईली पिगमेंटेड कलर्स हैं, बिकॉज ये इस तरह की लिपस्टिक है विच इज सो वेलवेटी इन टच, सो सॉफ्ट ऑन योर लिप्स, सो मॉइस्चराइजिंग, एंड जब आपको इसका फाइनल फिनिश मिलता है, दैट कम्स आउट टू बी अ सॉफ्ट मैट फिनिश। कम्प्लीटली ड्राई मैट लुक नहीं आएगी आपको, लेकिन एक सॉफ्ट मैट फिनिश आएगी, उसमें कोई ग्लॉस नहीं होगा, स्टिल आपके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होंगे और मॉइस्चराइज रहेंगे, इसलिए मुझे इसका फॉर्मूला काफी पसंद आया। बहुत ही लाइट वेट है। ओके, लेट्स अप्लाई। तो मैंने अपना पहला लिप कलर रिमूव कर लिया है एंड नाउ लेट्स अप्लाई दिस वन। वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, सुपर सॉफ्ट वेलवेटी टच, बहुत आराम से अप्लाई हो रही है एंड पिगमेंटेशन कलर पे ऑफ आप अपने आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। पेटल्स की तरह सॉफ्ट फील होता है, बटर की तरह ग्लाइड करता है आपके लिप्स पर और पिगमेंटेशन ऑसम देता है। बात करें इसकी प्राइस की, तो दिस रिटेल्स फॉर ₹295, लेकिन पर्पल पे ऑफ चलता रहता है, इसलिए आपको अराउंड 230-240 के बीच में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, अभी बात करते हैं स्मज प्रूफ है कि नहीं। तो आपकी आउटलाइन जो लिप की है उससे ब्लीड आउट नहीं करती है, स्मज नहीं करती है, बज नहीं करती है। इज इट ट्रांसफर प्रूफ, ट्रांसफर रेजिस्टेंट, तो वो चेक कर लेते हैं। इट्स नॉट ट्रांसफर रेजिस्टेंट, इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, किस प्रूफ नहीं है, थोड़ी सी ट्रांसफर होगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली ट्रांसफर होगी। और इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात है कि ये हलाल सर्टिफाइड वीगन ब्रांड है। हलाल मीन्स इसमें कोई भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करे गए, खासतौर पे पिग एंड एनी अदर एनिमल, और इसमें कोई अल्कोहल भी यूज नहीं हुई है, दैट इज व्हाई इट हैज गॉट अ हलाल सर्टिफिकेशन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अस्फा हलाल लिक्विड लिपस्टिक्स, अब इनकी बात कर लेते हैं और फिर सारे स्वॉचेस देखेंगे। पैकेजिंग की बात करें तो वैसे ही कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, सियान कलर में, और सारे आउटर पैकेजिंग्स के ऊपर आपको कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट मिलती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट मिलती है एंड MRP लिखा हुआ मिलता है। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट फ्रॉम दिस ब्रांड। यहाँ कैप पर आपको शेड नंबर का स्टिकर भी मिलता है। अंदर से प्रोडक्ट कुछ इस तरह का नजर आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगती है। व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड यू कैन फील द क्वालिटी। द लुक इज प्रीमियम लग्जूरियस, अच्छी सी पैकेजिंग करी गई है, इसलिए प्रोडक्ट भी अच्छा होने की उम्मीद हो जाती है ना। सो नाउ लेट्स चेक आउट द प्रोडक्ट। इस तरह का वॉन्ड है इसमें, लेंथ बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा लंबा वॉन्ड है ना ज्यादा छोटा है, एकदम करेक्ट साइज है फॉर द एप्लीकेशन ऑन योर लिप्स। और इस तरह से ये है सिंगल स्ट्रोक, देख लिया आपने, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, स्मूथली ग्लाइड किया, लिक्विड लिपस्टिक है, स्मूथली तो ग्लाइड करेगी, वाटर बेस्ड होती है ना, लेकिन पिगमेंटेशन देख लो आप, कलर पे ऑफ कैसा लग रहा है आपको, हाईली पिगमेंटेड। पिगमेंट्स इतने अच्छे यूज किए गए हैं इस लिपस्टिक के अंदर कि आपको हर कलर हूबहू वैसा ही दिखेगा एप्लीकेशन के बाद जैसा कि आपको बॉटल में नजर आ रहा है।
Wow. Just have a look at the gorgeous color. कितना pretty red color है. Proper Indian makeup looks के लिए है ना. Especially if you're getting married or you are married, तो आपको ये वाला color तो जरूर pick करना चाहिए. By the way, what is the color? This is shade 01 Ruby Rain. ओके रूबी वू मैक का रूबी वू जो है ना उसी के जैसा लग रहा है ये राइट तभी इतना ब्राइट रेड कलर है नाम भी इसका रूबी रेन है वो एप्लीकेशन देखिए आपने वन स्ट्रोक पिगमेंटेशन स्मूथ एप्लीकेशन इट इज सो लाइट वेट कि आपको ऐसा लगेगा जैसे न्यूड लिप्स है कुछ भी अप्लाई नहीं किया इतना सुपर लाइट वेट है इसका टेक्सचर कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तो 5 to 6 hours अच्छे से स्टे करता है बट अगर आप कुछ खाते हो तो बीच में से हल्का सा जो है वो आपको री अप्लाई करना पड़ेगा लिक्विड लिपस्टिक्स मोस्टली ड्राइंग फील देती हैं सूखने के बाद लेकिन असफा हलाल की लिक्विड लिपस्टिक के बाद ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल भी अपने लिप्स ड्राई नहीं लगेंगे ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई सॉफ्ट क्रीमी मैट फॉर्मूला वाली लिपस्टिक लगाई हुई है तो इसको एक बार ट्राई करना जरूर बनता है ऑल द 3 shades आई एम गोइंग टू स्वॉच दैट आई हैव विद मी I hope you must have enjoyed the review. Let's watch the swatches and if you find this video helpful, to isko like, share and comment kar dena and also subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram if you want to see my real videos. Bye! It's like a family.